कार्लोस राव और आशीष पौलिकर। समस्या यही है कि मेरे गेट को काट के ले गया है, यही समस्या है। गेट मेन गेट को काट के ले गया। गरीब पर जुल्म डालना या तो कोई किसी घमंडी अमीर से है सीखे। ऐसा ही एक मामला हजारीबाग के कुर्रा थाना अंतर्गत मरियम टोली का है, जहां एक आदिवासी परिवार को झारखंड पुलिस में कार्यरत पीसीआर के ड्राइवर ने जबरन बंदूक की नोक पर जमीन में लगे गेट काट कर ले गए। इस पर आदिवासी परिवार का कहना है कि हम लोग थाने में भी एफआईआर किए, लेकिन भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जाने क्या है मामला। मेरे यहाँ गैस कटर से गेट काटा गया। तारीख था 21/5/2023, दिन में 9 से 10 के बीच में काटा गया। कौन काटने आया था, कौन था? जब गैस कटर का काटने का आवाज़ हम सुने, उसके बाद निकले तो वहाँ मुनीलाल सिंह और मंटू सिंह, वकील महतो, प्रकाश और शंकर और 5 अज्ञात लोग थे और 4 महिलाएं थी। रोके तो मेरे साथ धक्का मुक्की हाथापाई करने लगा। मंटू सिंह था, वो पिस्तौल निकला कर मुझे धमकाने लगा, भागो कहीं के नहीं तो तुमको भी इसी गैस कटर से, जिस तरह गैस कटर से गेट को काट के गाड़ी में लोड किए हैं, उसी तरह तुमको भी गैस कटर से काट करके मुंडी को लोड करके ले जाऊंगा। तो मैं डरी सहमी हो करके मैं अंदर आने लगी। घर में और कौन कौन थे? मेरे बच्चे थे और मैं ही खाली थी। उस दिन के बाद से क्या आपने कहीं कोई कंप्लेन किया, कोई मामला दर्ज कराया? जी हाँ, थाना में कंप्लेन किए थे। कोर्रा थाना में सूचना दिया गया। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थाना से? जी नहीं। तब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी नहीं। फिर आपने कहाँ आवेदन दिया? एसपी के पास दिए, डीएजी के पास दिए 29 तारीख को, और ये थाना में भी दिए। जी, इसकी जानकारी मुझे 21 तारीख को मिली थी, जिस दिन ये वारदात हो रहा था। इससे पूर्व भी वह जो मुन्ना सिंह नामक आदमी है, जो कि झारखंड पुलिस में कार्यरत हैं चालक के रूप में, वह निरंतर दारू पी के इनका हो हंगामा का सूचना आए दिन हमें मिलती रहती थी। उस दिन भी सुबह में हमें फ़ोन आया, मैं प्रॉपर रांची से हूँ, अब एक समाज सेवी हूँ, तो मैं हजारीबाग पूरे झारखंड के हर एक इलाके में जाते रहता हूँ, तो इनसे हमारा जान पहचान था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, थाना इनकी बात नहीं सुन रही थी। फ़ोन मेरे पास आया 21 तारीख को सुबह 10 बजे के लमसम में कि ऐसा वारदात है, मुन्ना सिंह उनके साथ और कुछ 5-6 आदमी, अन्य सभी का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, आके वो लोग गेट काट रहे हैं। ठीक है, जब इसकी जानकारी मैंने थाना को दी, थाना को सूचना होने के बाद भी थाना से कहा, कोर्रा थाना में मेरे एक सहकर्मी हैं, उनके द्वारा मैंने फ़ोन करवाया, बट कोर्रा थाना से किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद फिर हम लगातार थाना से बात करते रहे, अपील करते रहे कि इनका केस रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुआ। 29 तारीख को जब मैं खुद आया थाना में, दबाव दिया तो आवेदन तो लिया गया, लेकिन आवेदन का इनका रजिस्ट्री नहीं किया गया, केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया। उसके बाद उसी दिन मैंने एसपी सर से के पास आवेदन दिलवाया, डीआईजी सर के पास आवेदन दिलवाया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद 5 तारीख को हम लोग रांची जाते हैं। रांची जाने के बाद जब प्रधान सचिव से मिलते हैं सचिवालय में सीएमओ के, उसके बाद डीजीपी सर से मिलते हैं, जब वहां से फ़ोन आता है तब फिर पुलिस एक्टिव होती है। उसके बाद भी 6 तारीख को जब एसपी साहब थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोलते हैं कि अब विलम्ब कार्रवाई किया जाए, कार्रवाई के लिए प्रशासन तो आती है लेकिन ना केस रजिस्टर्ड करके 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उनका अरेस्टिंग नहीं होता है। केस नंबर मिल गया है लेकिन अरेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। किसी भी अगर आदिवासी को अगर इस प्रकार का किया जा रहा है तो वो तो सरासर अन्याय है। मैं महेंद्र बेग, सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष। अभी भी तुरंत पता चला कि 8 नंबर गली में कार्लोस जी रहते हैं, तो इनका एक गेट को काट दिया गया है। एक पुलिस विभाग में है जो ड्राइवर हैं, पहले स्पाइक का काम करते थे, अभी वो प्रशासन में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर हैं, ड्राइवर हैं, जो अभी सामने में देख रहे हैं कि सही मायने में कि यहाँ गेट काटा गया है वो गलत है। और रिवाल्वर चमकाना, धमकी देना, ये बहुत ही मतलब अन्याय है। और आदिवासी के लिए अगर अभी हम लोग एक नहीं होंगे तो हो सकता है कल घर से लोग निकाल के मारने लगेंगे। तभी तुरंत हमको पता चला, तभी हम तुरंत आए कि ये जुल्म हम लोग सहेंगे नहीं, और जो जुल्म करेगा उसका जुल्म का जो करता है उसको हम लोग जो हाथ जो ग्रिल जो काटा है उसका हाथ हम लोग तोड़ देंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।